था क्या जिन्होंने आके अपनी व्यथा बताई है यहाँ पर, जो बजते बजाते यहाँ पर आ रहे हैं, जो आके कह रहे हैं कि भैया हम लोग को कैसे मार पीट के वहाँ से भगाया जा रहा है, उन फोन कॉल्स का क्या जो कि नॉन स्टॉप मुझे आ रहे हैं, जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। और अगर भैया 1% मान भी लिया जाए कि अगर ये भ्रामक खबरें हैं, तो कौन लोग भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कौन लोग नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में एक डिवाइड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कौन लोग हिंदी भाषा बोलने वाले और तमिलियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, कोई भी कारण हो भैया, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों ने कितने हल्के में बयान दिया बिहार की विधानसभा में, कितने हल्के में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया कि भैया अधिकारी बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मटेरियल बनना होगा तो दौड़े दौड़े जाएंगे स्टालिन जी के पास समर्थन मांगने, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने, कितने नेताओं के पास पीछे गए थे ये। अगर खुद का काम होगा तो जाएंगे, पर बिहारी मर रहे होंगे तो एक शब्द इनकी जुबान से नहीं।